So hey, what is up everybody, this is Harshit. Welcome back to a brand new video. So हमने title पढ़ लिया होगा, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप CUET जो कि है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कैसे क्रैक कर सकते हो बिल्कुल ही जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी, और उसके मैं कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी डिटेल में वीडियो बनाया, मतलब मैं बनाऊंगा पूरी है ये बना चुका हूँ ऑब्वियसली, तो पूरा एंड तक देखना सारी डिटेल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन वाइज क्या क्या सेक्शन है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना, कितना टाइम मिलेगा, टफनेस लेवल क्या है, एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा आप कैसे क्रैक कर सकते हो जैसे कि मैंने किया। तो इस वीडियो में पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे में थोड़ा कुछ, क्योंकि अरे काफ़ी नए लोग आ रहे हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हैं। सो बेसिकली आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट NMIMS मुंबई मेन कैंपस एंड पर्सिंग बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर में, लाइक मैं सेकंड ईयर में आने वाला हूँ, लाइक नेक्स्ट मंथ ही आ जाऊँगा, अभी मेरे सेम एंड एग्जाम्स चल रहे हैं। सो बेसिकली लास्ट ईयर मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सिम्बायसिस एंट्रेंस टेस्ट सिम्बायसिस का NMIMS का और लाइक जो एक दो एग्जाम्स और थे दूसरी यूनिवर्सिटी के वो दिए थे, मैंने सारे क्लियर किए थे। लाइक क्राइस्ट का मैंने मेन कैंपस बैंगलोर और सिम्बायसिस का पुणे फॉर BBA एंड फॉर BA इकोनॉमिक ऑनर्स इन क्राइस्ट और सिम्बायसिस में BSc इकोनॉमिक ऑनर्स एंड BBA के लिए और NMIMS में BCOM ऑनर्स, ठीक है। तो ये सब मैंने क्लियर कर रखा है। तो लाइक मैंने बेसिकली NMIMS की वीडियोस लाइक आप प्रीवियस देखो तो स्टार्ट की थी बनानी, इसके बाद फिर काफ़ी लोग के डाउट आए और भी बनाओ लाइक क्राइस सिम्बायसिस, मैंने सोचा चलो आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ, काफ़ी लोग मतलब टेंशन में थे, तो मैंने जो जो मैंने फेस की डिफिकल्टीज और जो मैंने सीखा वो सब मैं इस चैनल पे अब शेयर कर रहा हूँ। लाइक आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देखोगे तो NMIMS और अदर कॉलेजेस दोनों का अलग सेक्शन है, तो उधर आप जाके और वीडियो देख सकते हो, वरना प्रीवियसली डाली सारी जाके चेकआउट कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी जो टेस्ट आ रहे लाइक अभी क्राइस्ट का आ रहा है तो क्राइस्ट पे फोकस करो, फिर सिम्बायसिस बनाऊंगा, फिर NMIMS तो बनाते ही रहूंगा मैं, और भी कॉलेजेस के रिव्यू वगैरह कुछ भी मैं बनाऊंगा, और आप कमेंट में डाल दो आपको जिस भी टॉपिक के रिलेटेड किसी कोर्स कॉलेज के ऊपर रिव्यू वगैरह चाहिए तो डाउट वगैरह है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके एक बार फॉलो कर सकते हो और उधर DM कर सकते हो, लाइक इधर कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स मिस हो जाते हैं तो मैं उधर जाके आपको मतलब इंस्टाग्राम पे मिस नहीं करता, लाइक आप पूछोगे तो मैं को बहुत जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। हाँ एक और बात कि अभी मैं काफी लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी टैब पर पोल डाला था कि शुड आई कंडक्ट अ Q&A वीडियो, तो काफी लोगों ने इस पे यस किया है मतलब, तो मैं उस पे Q&A वीडियो के लिए वो अभी क्वेश्चंस Q&A वीडियो में आंसर करूंगा, और आपको और कुछ भी क्वेश्चंस इस वीडियो में ड्रॉप डाउन कर देना, और या फिर वो कम्युनिटी टैब पे जो पोस्ट है उस पे जाके अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो, मैं Q&A में सारे आंसर कर दूंगा, ठीक है। वो Q&A आएगा 5th of May, मतलब ये 4th का अपलोड हुई तो लाइक कल ही मैं डाल दूंगा Q&A वीडियो, ठीक है। तो सारे डाउट्स अपने ड्रॉप कर दो और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके सो गाइस स्टार्टिंग विद, पहले बता दूं ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है जो कि होता है CUET, उसमें एक कॉल देखो सारे कोर्सेज के लिए आपको देना पड़ता है, सबका सिलेबस अलग अलग होता है, सेक्शंस उसमें एक दो चेंजेस होते हैं बाकी सारे सेम रहते हैं। लाइक फॉर BBA BBA ऑनर्स BBA नॉर्मल BBA BA LLB एंड फॉर BBA LLB ऑनर्स के लिए आपका सिलेबस जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होता है, वर्बल रीजनिंग होता है, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और ये है सारा मतलब ये कोर्सेज के लिए BBA एंड BBA LLB ऑनर्स वगैरह के लिए। मैं लिंक में ना इस साइट का लिंक डाल दूंगा, इसमें अच्छे से पूरा और भी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उधर साइट पे और समझ लेना। बाकी फिर BCOM ऑनर्स के लिए एंड BBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए इसमें एक दो सेक्शन चेंज हो जाते हैं, सारे सेक्शन पहले की तरह रहेंगे बस इसमें एक अकाउंट्स का जुड़ जाएगा, जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स मैंने किया तो उसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन आ गया, तो ऐसे सीन है। तो ठीक है, अब मैं एक एक करके लाइक मैं मेन आपको BBA का बता दूंगा, तो BBA से ही सेम होता है बाकी जितने भी एग्जाम्स होते मतलब होते हैं कोर्सेज के लिए, तो सिलेबस सेम रहता है, बस एक दो सेक्शन जैसे आपने कोई स्पेशलाइजेशन में अप्लाई किया तो उसका एक जुड़ जाएगा सेक्शन, लाइक फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स इकोनॉमिक्स जुड़ जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के आपके सेक्शन में। हो अब मैं इसके एग्जाम्स की बात करूं तो ये होते हैं 120 टोटल इसमें क्वेश्चंस होते हैं, और आपका एक राइट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और आपको एक रॉन्ग आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है, आप बिल्कुल तुक्का मत मार के आना। क्राइस्ट में काफी लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड्स ने गलती की तुक्का मतलब ट्राई किया तो उनके मार्क्स नहीं हो पाए मतलब अच्छे, तो आप तुक्का मत मारना, जो आपको आ रहा है सही लग रहा है उनको अटेम्प्ट करके आओ।
ठीक है। और अब मैं बात कर लूँ कौन से सेक्शन से आते हैं क्वेश्चंस, कैसा सीन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आते हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स के 25 आते हैं, क्यूटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होता है उसमें 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं 120 क्वेश्चन, मार्क्स हो जाते हैं 120। तो ये है बीबीए के लिए, और इसमें बस बीकॉम हो गया और किसी कोर्स में एक दो सेक्शन चेंज रहेंगे और क्वेश्चन नंबर चेंज रहेंगे, वरना ये सारे सेक्शन रहेंगे मोस्टली, ठीक है। ओके, ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस एंड ऑल बता दिए। अब मैं आपको जो जो ये सेक्शंस बताए उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्राइस्ट में मतलब मोस्टली क्वेश्चन उधर से ही पूछे जाते हैं। देखो लोगों को क्राइस्ट में डाउट था यार, अभी 8th को एग्जाम है, फिर एक और सेशन है जून में शायद, तो कैसे प्रिपेयर करें जल्दी से। क्राइस्ट एक ऐसा टेस्ट है, मैंने सिंबायोसिस भी इंपैक्ट दिया, सबसे इजिएस्ट क्राइस्ट। अगर आप लाइक आप 5 डेज बिलीव मी, अगर 5 डेज दिन भर पढ़े अच्छे से ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा टेस्ट जाएगा और आपकी नॉलेज भी पहले मतलब बेसिक नॉलेज जो 6th to 10th आपकी है तो आप बहुत आराम से निकाल लो, क्योंकि क्राइस्ट बहुत ज्यादा इजी आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। वेट अ मिनट। हाँ, अगर मैं चलो इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो क्या क्या रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका, बाकी स्पेलिंग्स आपको मतलब बतानी होगी कौन सी सही है डिफिकल्ट वर्ड्स की, फ्रेजेस, ग्रामर, इडियम्स, सिनोनिम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, लीगल टर्म, जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आता है बहुत ज्यादा, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वोकैबुलरी टेस्ट होती है, इनकरेक्ट सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो भी मैंने टॉपिक बोले आप नोट डाउन कर लो, वरना लिंक का भी मैं नीचे साइड डाल दूंगा, उसमें ये सब दे रखा है, ठीक है, कूल। अब आगे बढ़े, अगर करंट अफेयर, देखो जीके जनरल नॉलेज में आप सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ वो करके जाना मोस्टली, ठीक है, और इतना बहुत डिफिकल्ट जीके वगैरह नहीं आता, करंट अफेयर्स रहता है और जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन होते हैं वो। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपकी इंडियन इकोनॉमी रहेगी, इंडियन पॉलिटी रहेगी, पब्लिक सेक्टर रहेगा, बुक्स एंड ऑथर्स रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, इंडियन फोकार्ट जो कि पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, आपके अवार्ड्स रहेंगे, लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स एंड जो भी चीज इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई थी वो रहेगा, और जितने भी करंट अफेयर्स है लाइक कोरोना वायरस या फिर जितने भी इंडिया में चीजें हो रही हैं वो आ सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ एक और सेक्शन आगे बढ़ते हैं, तो रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सुन लो, यही करके जाओ, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, सिंबल बेस्ड लॉजिक हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, एनालॉजीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फैमिली ट्री एंड डायरेक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट्स, कॉज इफेक्ट, लॉजिकल सीरीज, एजम्पशंस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन एंड इन्फेरेंसेस। तो ये सारे मेन टॉपिक्स थे अपने रीजनिंग सेक्शन के। देखो एक चीज बताता हूँ कि रीजनिंग इंग्लिश वगैरह आप मतलब मैं बोल रहा हूँ आप बिना पढ़े भी, आपने आज तक देखा भी नहीं तब भी सॉल्व होंगे, अगर आपका ये लाइक उस टाइम दिमाग चल रहा है तो उसके लिए आप थोड़ा भी प्रिपेयर करोगे, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप तब भी क्रैक कर सकते हो। तो क्राइस्ट का मैंने कैसे किया, क्राइस्ट का सबसे पहले एग्जाम तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैंने मुश्किल से 20 to 25 डेज दिए क्राइस्ट के प्रिपरेशन में, उसमें मैंने मेन क्यूटी कौन सॉल्व की जो 6th to 10th थी, रीजनिंग और कौन दोनों ये सॉल्व की, बाकी मेरे को जैसे अपने इंग्लिश हो गया जीके उसमें इतना मैंने नहीं ध्यान दिया। और आप भी ऐसे ही करो, ठीक है, मेन रीजनिंग पे ध्यान दो, क्यूटी पे दो, यही मेन होती है चीजें। इंग्लिश आप निकाल लोगे बहुत इजी आती है क्राइस्ट की, और बाकी जीके एंड करंट अफेयर तो आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं सकते, थोड़ा आप देख लेना। एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की भी बात कर लेता हूँ, वो सबसे इजी सेक्शन होता है, आपको सिर्फ डेटा मतलब देखना है, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह आते हैं बता देता हूँ। इसमें न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स आते हैं, बार चार्ट और वीकेंसी हिस्टोग्राम्स एंड लाइन ग्राफ्स आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, केसलेट्स आते हैं, ये सबसे इजी सेक्शन है। अगर आपने एनालाइज कर लिया बहुत आसानी इसमें फुल मार्क्स करोगे, मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ये सेक्शन स्कोरिंग है, रीजनिंग सेक्शन स्कोरिंग, इंग्लिश सेक्शन स्कोरिंग है, जो मार्क्स करते हैं बेसिकली जो क्यूटी, जो मैथ सेक्शन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एक दो सेक्शन अपना जीके एंड करंट अफेयर, उसमें कट होते हैं मेनली। तो आप पहले से ये सारे टॉपिक जो इजी है वो तो अच्छे से करके आना, सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना, क्यूटी एंड जीके करंट अफेयर लास्ट में अटेम्प्ट करना, मैंने यही किया था, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी अगर आप मुझसे पूछो, और ऐसे ही मैंने क्रैक किया। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ टॉपिक्स की, तो आते हैं नंबर सिस्टम हो गया मेन, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेज, रूट्स, इंडाइसेस, सर्च टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, बक रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस। तो ये मेन टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए वो आपके जाके देख लेना सारे। ओके, सो काफी लोग मुझे रिसोर्सेज आप ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हो वो पूछ रहे थे,
कौन सी कोचिंग ले सकते हो, तो उसके लिए देखो जो 8 मई को एग्जाम है क्राइस्ट का, उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये सब मैं बनाऊंगा, लेकिन शायद उसमें आपकी अगर 7th को 6th को बना पाऊँ तो आपके लिए इतनी यूजफुल नहीं रहेगी, ऊपर से मेरे भी सेमेस्टर एंड एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाएगा, और ये रिसोर्सेज वाले ना मेरे को कलेक्ट करने जो मैंने मतलब जो किए तो इसमें काफ़ी टाइम थोड़ा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको जो मेन मेन चीज़ें आप जल्दी से जाके प्रिपेयर कर सको वो बता देता हूँ, बाकी डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा, ठीक है। जो एनपैट और आपके सिम्बायोसिस के एंट्रेंस टेस्ट सेट में काम आ जाए, फिर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट सेंट जेवियर्स का हो गया, आईपी यूनिवर्सिटी, उसमें काम आ जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी कहाँ से प्रिपेयर क्या कर सकते हो। फॉर क्यूटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन आप ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन आप थोड़ा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, वरना आप आर एस अग्रवाल आप सर्च करोगे आपको कोई बहुत पुराना एडिशन मिलेगा ले लो, मेरे मैंने बहुत पुराना एडिशन लिया, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उधर से आप जो जो मैंने टॉपिक बताया जो नीचे आप साइड पे देखोगे वो सारे अच्छे से क्वेश्चंस कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे एक टॉपिक पे मत लगाने बैठ जाना, मैं गलती कर रहा था, तो आप मुश्किल से 7 to 8 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस कर लो, आपका सॉर्ट हो जाएगा हर टॉपिक से, ठीक है। रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, सेम आर एस अग्रवाल सर्च करना मिल जाएंगे, लेकिन रीजनिंग बहुत वास्ट है, तो ये जो टॉपिक बताए आप उनको ना ऑनलाइन YouTube वीडियोस में काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छी YouTube चैनल है, उधर से सर्च करो, उधर से आप टिप्स एंड ट्रिक्स जानो, फिर कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, क्विजेज होते हैं वो होते हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। जीके एंड करेंट अफेयर्स तो आप ऑनलाइन ही ऑब्वियसली नेट पे ही सर्च करोगे, और आप मैं कोई बुक वुक भी ऐसे क्या पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो करेंट अफेयर्स के लिए, मैगजीन्स पढ़ सकते हो करेंट अफेयर्स के लिए, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी रहता है, अगर कुछ नहीं आता अगर वैसे ही सॉल्व करो तब भी फुल आ जाएंगे, वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको मतलब देखना है बार चार्ट क्या दिया है इसमें किस रेंज में ये वो, अगर आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तो मैं आपको बता दूं जो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की आर एस अग्रवाल डाउनलोड करोगे उसी में आखिरी में जो डेटा एनालिसिस का सेक्शन है, तो आपको जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की वो क्या उसमें आपको डेटा एनालिसिस का सेक्शन मिल जाएगा। कूल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिम्बायोसिस भी और उसके लिए भी सेट के लिए किसी के लिए नहीं पढ़ा था, और इंग्लिश बहुत ईजी आता है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है पहले से बहुत ईजीली हो जाएगा, अगर नहीं आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स है जो जो टॉपिक बताए उनके ऑनलाइन आपको क्विजेज मिल जाएंगे वो सॉल्व करो और थोड़ी ग्रामर इंप्रूव करो ये सब करोगे इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा, स्कोरिंग सेक्शन है। तो यही चीज़ें थी जिस पर मैंने ध्यान दिया था, मैंने ऐसे ही क्रैक किया था CUET क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मैंने, तो बस मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आप कहाँ से पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल वीडियो बना देता हूँ, काफ़ी लोग टेंस थे मतलब टेंशन में थे, तो यही थी, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें बिना मान जाना, और आपको लगता है किसी फ्रेंड को भी जरूरत है प्लीज़ डू शेयर, एंड अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, मैं भी क्राइज की भी और डालूंगा लाइक माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स की डालनी है, लाइक क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे प्रीवियस वीडियो में उसके आंसर्स की वीडियो डालनी है, फिर एक दो और हैं, फिर सिम्बायोसिस की भी बनाऊंगा और NMIMS तो ऑब्वियसली मैं बनाता रहूंगा, मेरा कॉलेज है तो मेन स्टार्ट मैंने NMIMS की लाइक के लिए किया था, तो वो भी बनाता रहूँगा, और बाकी आप कमेंट में बाल दो कि आप किसी कोर्स के या कॉलेज के और रिव्यू चलते हैं, वीडियो थोड़ा लेट हो जाएंगे मतलब 3-3 दिन बाद लाइक अचानक से तो नहीं बना सकता क्योंकि कुछ प्लान्ड होता है मेरा, उन टॉपिक से पहले बनाऊंगा, और Q&A के लिए आप अपने क्वेश्चन इधर ड्रॉप डाउन कर दो या फिर कॉमेंट टैब में जो पोस्ट है उधर ड्रॉप डाउन कर सकते हो, तो बस, और मुझे शाम पे आपको अगर इधर मैं डाउट ना सॉल्व करूँ मुझे DM कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई दे दूंगा सबका, उधर कोई मिस आउट नहीं होता है, ठीक है, और फॉलो भी कर लेना प्लीज़। तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।